सो फ्रेंड्स, पेमेंट करने के लिए और फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके हम लोग अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें से रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ कैप्चा को डाल के लॉगिन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूँ जो रजिस्ट्रेशन तक का वीडियो का प्रोसेस नहीं देखे हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके एक बार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख लें। इसमें उसका आगे प्रोसेस इसमें बताया गया है। और लॉगिन करने के बाद कुछ देर वेट करेंगे। लॉगिन क्लिक करने के बाद फिर हम लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। उसमें से हम लोग को कुछ डिटेल्स भरना है, जिसमें से बिलिंग नेम में अपना नाम भर दीजिएगा, एड्रेस अपना भर दीजिएगा, जिप कोड सिटी, और जिप कोड ऑटोमेटिक ले लेगा, स्टेट, कंट्री, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए हम चलते हैं, सब कुछ फिलअप करके आगे का प्रोसेस में जाते हैं। आगे का प्रोसेस क्या होगा, चलिए सब कुछ हम फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद हम लोग कुछ भी से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, कुछ भी कोई भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। सो हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें से अपना यूपीआई हम यहाँ पर लगा दिए हैं। और मेरा फ़ोन में आगे एक नोटिफिकेशन, उसमें से हम पेमेंट कर दिए। कुछ देर प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें से हम लोगों को सिग्नेचर और फोटो यहीं पे हम लोग को लगाना है। चूज फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड कर दिए हम, फिर चूज फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। फ़ोटो अपलोड कर दिए, नीचे अपलोड पे क्लिक करेंगे, ऊपर में लिखा आ रहा होगा फ़ोटो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, फाइनल सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और इसमें फाइनल सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा डिटेल्स आएगा, इसको रिसीविंग आप कस्टमर को दे सकते हैं।